नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शिवराज ने जिसे बंद कराया उसे फिर शुरू कराएंगे मोहन। एक अधिकारी की जिद की भेंट चढ़ गया था सीपीए। एक अधिकारी की जिद के कारण राजधानी परियोजना प्रशासन सीपीए को 2 साल पहले बंद कर दिया गया था। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर इसे पुनर्जीवित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। कभी राजधानी भोपाल को खूबसूरती देने वाला सीपीए बंद करने के पीछे एक नौकरशाह की जिद ऐसी रही कि पिछले 1.5 साल से भोपाल की सूरत ही बदल गई है। सीपीए बंद होने का खामियाजा शहर की मुख्य सड़कों की बदहाली सीपीए के न होने की कहानी बता रही है। आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता देते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, उजड़ते हुए पार्क और पर्यावरण का संतुलन बनाए हुए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने शहर की खूबसूरती ही खत्म कर दी। मध्य प्रदेश में पदोन्नति छोड़ने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा उच्चतर वेतनमान। प्रदेश में जिन कर्मचारियों को पद नहीं होने या अन्य कारण से पात्र होने के बाद भी पदोन्नति नहीं मिल पाती है, उन्हें क्रमोन्नति के माध्यम से उच्चतर वेतनमान का लाभ दिया जाता है। कई बार पारिवारिक परिस्थिति या अन्य कारण से कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार कर देते हैं। ऐसे कर्मचारियों को अब सरकार उच्चतर वेतनमान का लाभ नहीं देगी। इसके लिए 22 वर्ष बाद 2002 के क्रमोन्नति संबंधी निर्देश में संशोधन किया गया है। हालांकि अब क्रमोन्नति के स्थान पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था लागू हो चुकी है। प्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 के साथ क्रमोन्नति के निर्देश भी जारी किए गए थे। इसमें यह प्रावधान था कि ऐसे कर्मचारी जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है, उनको जब उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और वह ऐसी पदोन्नति लेने से इनकार करता है तो उसे दिए गए क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जाएगा। जबलपुर में अनोखा अभियान, कूलर में मच्छरों के लार्वा मिलने पर वसूला जाएगा जुर्माना। शुक्रवार को पहले दिन सैफ नगर स्थित केजीएन अस्पताल सहित 2 मकानों के कूलर में मच्छरों के लार्वा पाए जाने पर अस्पताल पर 2000 और मकान मालिकों से 100 से 100 रुपए जुर्माना वसूला गया। निगमायुक्त प्रीति यादव ने बताया कि बरसात के सीजन में मच्छर जनित बीमारियों डेंगू मलेरिया की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विभागीय टीम से जांच कराई जा रही है। टीम द्वारा शुक्रवार को जोन क्रमांक 16 के अंतर्गत सैफ नगर स्थित केजीएन अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के अस्पताल के कूलरों में मच्छरों के लार्वा पाए जाने पर 2000 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया। बैकलॉग पदों की भर्ती के दस्तावेज गायब, भर्ती प्रभारी पर लगे आरोप। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बैकलॉग पदों की भर्ती में हुई गड़बड़ी की गूंज भोपाल तक पहुंच गई है। जनजागरण मंच ने इस पूरे मामले की जांच कृषि विभाग से कराने की मांग की है। मंच ने आरोप लगाया है कि भर्ती से जुड़े दस्तावेजों को गायब किए गए। इन दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि रोस्टर के मुताबिक बैकलॉग के पद भरे गए या मन मुताबिक। उज्जैन जावरा फोरलेन का बदल सकता है मार्ग। सर्वे के बाद होगा जमीन अधिग्रहण। उज्जैन जावरा फोरलेन के सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वे चल रहा है, इसमें नक्शे के अनुसार मार्ग अभी भी बदल सकता है। यह भी 15 दिन में पूरा हो जाएगा। इतना सब होने के बाद भी जमीन के सौदा करने वाले व्यापारियों के अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि फोरलेन किधर से निकलेगा। उज्जैन जावरा पर ट्रैफिक अधिक बढ़ने के कारण फोरलेन मार्ग की आवश्यकता हो गई है। गांव भूतेड़ा से मुंबई दिल्ली का 6 लेन रोड मिल रहा है। राजस्थान के कई धार्मिक स्थल भी इस रोड से जुड़े हुए हैं। इसको देखते हुए सांसद अनिल फिरोजिया ने फोरलेन बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग की थी। उन्होंने स्वीकृति भी दे दी थी। 2 सितंबर को बाबा महाकाल की शाही सवारी, तैयारियों को लेकर हुई बैठक। पढ़े क्या रहेगा खास, श्रवण भादो मास में सोमवार को भगवान महाकाल की शाही सवारी निकलेगी। करीब 10 किलोमीटर लंबे मार्ग पर भगवान की पालकी किस समय कहां रहेगी, इसके लिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम बनाया किया जा रहा है। भक्त तय समय के अनुसार निर्धारित स्थान पर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं।
इंदौर में एक ही दिन में 300 रुपए महंगा हुआ काबुली चना। पड़े दालों के ताजा भाव। काबुली चने में पिछले 3-4 दिनों में आई गिरावट शुक्रवार को थम गई। सटोरियों की दोबारा लेवाली आने से कीमतों में तेजी दर्ज की गई। एक ही दिन में काबुली चना क्वालिटी अनुसार 200 से 300 रुपए फिर उछल गया है। देश में काबुली चना का भरपूर स्टॉक देश में मौजूद है। वर्तमान में निर्यातकों की लेवाली भी कम है। बावजूद बाजार में तेजी आना साफ दर्शाता है कि सटोरिये और निर्यातक बड़ा खेल खेल रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में नए काबुली चने की छुटपुट रूप से आवक शुरू हो गई है। इससे बढ़ते दामों में रुकावट के साथ ही फिलहाल स्थिरता देखने को मिल रही है। जैतल कंस्ट्रक्शन 2.71 करोड़ की जमीन नीलाम, चिंता में बुकिंग वाले। ग्वालियर में फ्लैट आवंटन में देरी को लेकर रेरा के आदेश के तहत हितग्राहियों की राशि लौटने के लिए प्रशासन ने बुधवार को सिरोल स्थित जैतल कंस्ट्रक्शन की जमीन नीलाम कर दी। ऐसे में अब वे आधा सैकड़ा से ज्यादा खरीदार चिंता में आ गए हैं, जिन्होंने इस जमीन पर प्रस्तावित डी ब्लॉक में बुकिंग कर रखी थी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि गैर बुकिंग वाली जमीन को ही नीलाम किया गया है। शुक्रवार को 2.71 करोड़ रुपए कीमत की जमीन नीलाम की गई। उल्लेखनीय है कि जैतल कंस्ट्रक्शन द्वारा सिरोल स्थित वार्ड 61 में टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है। यहां फ्लैट आवंटन में देरी को लेकर कुछ बायर्स ने रेरा में केस लगाया था, जिस पर रेरा ने इनके समर्थन में आदेश पारित कर इन हितग्राहियों को राशि लौटाने का आदेश पारित किया था। रेलवे ने 7,000 से अधिक पदों पर निकाली भर्तियां, आवेदन करने का अंतिम समय नजदीक। रेलवे में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए स्वर्णिम अवसर है। रेलवे ने 30 जुलाई को 7,951 खाली पड़े पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। 9 सितंबर को आवेदन करने की अंतिम तारीख है। आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। रात को 11:59 पर आवेदन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के बाद संशोधन करने के लिए 30 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक का समय होगा। इंदौर में छोटे उद्योगों की संख्या 5,000 पार, निर्माण क्षेत्र को राज्य से मदद की दरकार। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों MSME की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई है। ये वे उद्योग हैं जो उत्पादन और निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकारी विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड उद्योगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, मगर उसमें निर्माण क्षेत्र की वृद्धि नजर नहीं आती। लघु उद्योग और औद्योगिक संगठन लगातार छोटे उद्योगों को सरकार की नीतियों में संरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। उद्योगों के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और व्यापार घाटा कम करने के लिए छोटे उद्योग संजीवनी साबित हो सकते हैं। ग्वालियर शहर में बारिश थमी तो हरे हो गए शहर की सड़कों के जख्म। ग्वालियर शहर में मानसून के सीजन में हुए औसत से अधिक वर्षा ने सड़कों के हाल बदहाल कर दिए हैं। वर्षा से पहले जिन सड़कों की मरम्मत हो जानी चाहिए थी, उन पर निगम के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वर्षा के कारण सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई। अब 2 दिन से वर्षा बंद हो चुकी है, तो ये गहरे गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। शहर की अधिकतर सड़कें डामर से बनी हुई हैं। वर्षा का सीजन शुरू होते ही इंडियन रोड कांग्रेस के नियम के मुताबिक डामर की सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे में 4 महीने तक सड़कों की मरम्मत ठप हो जाती है। वर्षा का मौसम शुरू होने से पहले इन सड़कों की मरम्मत हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश के स्कूलों में यस सर नहीं जय हिंद बोलेंगे बच्चे, मंत्री विजय शाह का आदेश। बढ़ेगी देशभक्ति की भावना। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब बच्चे यस सर या यस मैडम नहीं बोलेंगे। मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के आदेश के अनुसार उपस्थिति के दौरान बच्चे हाथ खड़ा करते हुए जय हिंद सर या जय हिंद मैडम बोलेंगे। मंत्री का मानना है कि इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। जिले का प्रभार मिलने के बाद बुधवार को पहली बार रतलाम आए विजय शाह ने सर्किट हाउस व रंगोली सभागृह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से मुलाकात के दौरान यह बात कही। आयुर्वेद कॉलेज में है ऑल इंडिया कोटे की सीटें, छात्र ले सकते हैं प्रवेश। जबलपुर के आयुष कॉलेज आए में सत्र 2024 से 25 की प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से आरंभ हो गई। ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीयन हो रहे हैं।
आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी ने 22 सितंबर तक छात्रों को पंजीयन का अवसर दिया है। आयुष नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण में पंजीकृत छात्र छात्राएं 29 अगस्त से 2 सितंबर तक अपनी मनपसंद सीट चुन सकेंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। नगर में गौरीघाट स्थित सरकारी आयुर्वेद कॉलेज में BAMS की 75 सीटें हैं। इसमें 15 सीटें ऑल इंडिया कोटे की है।